थाना मझूला क्षेत्र के करौला पीर का बाजार बड़ी मस्जिद के पास पैसों को लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि नूरी जहां पीर के बाजार में कपड़ों की दुकान लगाती है, उसका कहना है कि वो अपने पैसे लेने दूसरे पक्ष के घर गई थी तो उसके परिवार वालों ने उसको बंधक बनाकर जमकर पीटा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। और उसके भाई को जब इसका पता चला कि दूसरे परिवार वालों ने उसकी बहन नूरी जहां को बंधक बना लिया है, तो उसने उसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने नूरी जहां को छुड़वाया और थाना मझोले ले आई। दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर दोनों पक्षों के खिलाफ मेडिकल के लिए भेज दिया है। नूरी जी, क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? हम कपड़े बेचते हैं तो दो लड़के मतलब हमारे कपड़े बेचते हैं, पांच छह बार ले गए, लेकिन कल लेकर गए ना तो कल के कपड़ों के पैसे वो खा गए। जब हम रात उनके घर पर पहुंचे तो उन एक की मम्मी नहीं थी, एक की मम्मी ने चुपचाप से 200 रुपये दे दिए, बोली एक की जब कल आएंगे तो उनसे बात कर लेना, अब सुबह हमने लड़कों से मंगाए तो बोले अपने पैसा आकर ले जाओ। जब मैं और मेरी मम्मी लेने गए वहाँ पर दोनों हमें अंदर से बंद कर लिया और सब औरतों ने मारा हमें अंदर जाकर। लड़कों ने तुम्हारे साथ और क्या क्या करा? सारे कपड़े फाड़ दिए, सारे कपड़े फाड़ दिए, जीने पर से हमारी मम्मी को नीचे को फेंक दिया और हमारे सिर पे इतनी मोटी बल्ली थी वो मार दी। अच्छा, बंदी किसको बनाया, कमरे में किसको बंद करा? मैं थी और मेरी अम्मी थी, हमें अंदर बाहर नहीं आने दे रहे थे अंदर से। जब हमें नहीं पता कि इनके दिल में क्या है, हम तो अपने पैसे लेने गए थे, हमारे अंदर जाते ही इन्होंने गेट बंद कर दिए। तो क्या कह रहे थे वो, समाजवादी पार्टी के कौन जो कह रहे थे वो? पार्टी समाजवादी पार्टी की है। बताओ, आप बताओ क्या कुल बोल रहे? हाजी ग्राम के रिश्तेदारी में है। हाजी ग्राम के रिश्तेदारी में है। हाँ, एक मिनट, हाँ ये बोलेंगे, हाँ बताओ। हाजी ग्राम के रिश्तेदारी क्या कह रहा था वो? उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो किराएदार थे उन्होंने उनको बुलाया है अपने मकान मालिक को, वो उनके मकान वो ये कह रहे थे कि इनको पर झूठा आरोप लगा दो, लॉकर तोड़ दो सारे और मोबाइल गायब कर दो। हम तो खाली हाथ गए थे और जब पुलिस पहुंची तो जब हमें उन्होंने निकाला अंदर से तो हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं था और उन्होंने कह दिया कि 60,000 रुपये लिए इन्होंने और मोबाइल लिए, फालतू में झूठा इल्जाम लगाते हैं। तो तुम्हारे कपड़े कितने पड़े? लड़कियों ने सारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे बुरखा भी सब। जेंट्स ने भी कपड़े फाड़े? जेंट्स तो सारे बाहर ही थे, लेडीज थे और जेंट्सों ने भी हमारा गला दाब लिया था दुपट्टे से। दुपट्टे से जी। तो कपड़े भी जेंट्स ने फाड़े ना फाड़े? जी हाँ फाड़े, जेंट्स ने फाड़े ही फटे हैं अंदर से जी। मामला कहाँ का है? पीर के बाजार का है। हम उनको 200 रुपये का देते हैं, वो 300 का 350 का बेचते हैं, हमें 200 रुपये ला के देते थे। अब हम उनको कल कपड़े दिए, वो बेच के पैसे खा गए, हम कल पैसे लेने गए तो थोड़ी तुतू में हो गई, तो आज उन्होंने बुलाया बोला आप आके कल पैसे लेके जाना, तो एक लड़का बुलाना आया बोला अपने पैसा आके ले लो। अम्मी और बाजी गई, उन्होंने उनको अंदर बंद कर लिया। अब बाहर से हम गए तो अंदर से आवाज आई, बोली ये मान्य नाम तो पता नहीं सर, तो नाम आप पता नहीं करेंगे, आपको मार देगा, कोई घायल कर देगा तो पता नहीं करेंगे? अरे नहीं सर, किराएदार है सर, हम तो कारोबारी लोग, हम तो काम कर रहे थे, दावत में जा रहे थे। अच्छा, तो कपड़े किस किस ने, जेंट्स ने भी फाड़े आपके बहन के कपड़े क्या? जी सर, जेंट्स ने भी फाड़े। तो उनके साथ कुछ बदतमीजी भी करी क्या करो? सर करी होगी, लाजी बात है, बदतमीजी तो करी होगी जब अंदर कमरे में बंद। क्या नाम है आपका? सर फैजान अली। वाहन का क्या नाम है आपके? नूरीन। तो उसको बंधक बना रखा था अंदर कमरे में? जी सर, सब तरफ से गेट बंद कर लिए थे, अम्मी थी और बाजी थी। अम्मी को जीने में से धक्का दिया, उनके बन चोट आई है। तो तुम्हारी बहन को क्या कमरे के अंदर बंद 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 कर लिया था? जब पुलिस पहुंची तो जब ही निकाला गया? जब ही निकाला गया, जब ही कुंडी खोली। समीम जी, ये बताइए क्या निकल कर आया था जब डायल 100 आप पहुंचे थे? मौके पर सूचना आई थी कि यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, हम पहुंच गए वहाँ मौके पे। जब मौके पहुंचे तो वहाँ सूचना मिली थी, लड़का बताया भाईजान, उसने कॉल करी थी भाईजान बताया कि बंद कर रखा हमारी बहन को वहाँ पे। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ दरवाज़ा खुला मिला हमें, उनके चोट उट लगी थी, उनको लेके आ गए हम। ये कह रहे हम पैसे लेने गए थे, हमारे पैसे आ रहे थे तो पैसे तो दिए नहीं, मारपीट शुरू कर दी। तो लेडीज को कुछ कपड़ा वगैरह भी फटे हुए नजर आया? ना फटे लग खून निकल गया उसके सिर में, लेडीज के कपड़े फटे नहीं। ना कैसे कपड़े फटे हुए हैं उसके, कुछ बदतमीजी भी करी है उसको? हाँ, लेडीजों ने बदतमीजी करी है उनसे। कुछ जेंट्स भी थे जो बदतमीजी कर रहे थे? ना जेंट्स नहीं, सब एक एक जेंट्स था, उसका नाम पता नहीं, वो भी आया हुआ, वो भी फूटा हुआ है। तो सर आप मानते हैं ये जब तक डेल 100 की गाड़ी पहुँची है तो ये कमरे के अंदर लेडीज बंद थी? बंद नहीं थी, दरवाजा खुला था, जब हम पहुंचे दरवाजा खुला था और कुछ लोग निकल रहे थे, हम इनको लेके फिर आ गए।
बैठी थी जमीन पर वहाँ पे। कैसे आपने इंक्वायरी करी होगी तो उस हिसाब से मानते हैं सर कि बंद थी लड़ी? ना बंद नहीं थी। तो बदतमीजी तो हुई? हाँ बदतमीजी तो हुई है, मारपीट तो हुई है इनके साथ। कपड़ा वपड़ा ही फटे हैं सर? कपड़े ही फटे होंगे, देखे हमने देखे उसके सिर में खून निकल गया है।